स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी पीटी के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 1 का आज हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और ये जो है आपका 76 से लेकर 150 तक का होगा। 1 से लेकर 75 तक का मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था, ये इसका अंतिम पार्ट है टेस्ट 1 का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 76 से शुरू करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो इसमें से सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, सही है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, ये भी सही है। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरा के फिल्म से की जाती है, सही है। स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ये भी सही है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, और इसके विपरीत अगर दूर दृष्टि दोष में बात करें तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का यूज करते हैं। 77 में ये एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग सब अंदाज लगा के मारते हैं लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड होता है जो कि WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है और आपको हमेशा वही आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक रेंज में याद कर लिए हैं तो उसी में आप लोग दे रहे हैं कि हाँ 45 से 55 है तो 50 भी है 45 भी है तो ऑप्शन ई लगा दिए, ऐसा आपका गलत होगा। WHO ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि 45 डिसमिल तक का जो साउंड है वो सुरक्षित होता है एक नगर के लिए, तो आप लोग को 45 डिसमिल यहाँ पर मानना पड़ेगा। वहीं सड़क यातायात के लिए 53 डेसिबल को मानक माना गया है और भारत में जो ध्वनि प्रदूषण है उसका विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 78 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है। तो 78 का इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा ये देखिए, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में राज्य को निर्देशित करता है। 79 में आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो 79 का देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार में भी वर्णित किया गया है राज्य का परिभाषित को, और राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। तो इस हिसाब से 79 का आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, बुरा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ चुनाव में मतदान करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक विधिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। शेष यहाँ पे तीनों जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल है। 81 नंबर में आइए, यहाँ पे है डैश का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिहार। परिहार मतलब रिमिशन। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति है जिसमें वह क्षमादान, लघुकरण, परिहार और विराम तथा प्रविलंबन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और यहाँ पे देखिए परिहार का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की कठोर कारावास को राष्ट्रपति क्या करता है कि कारावास कठोर ही रहता है लेकिन 5 वर्ष को कम करके 3 वर्ष का कठोर कारावास कर देता है, यानी उसकी दंड की प्रकृति में कोई कमी नहीं करता बल्कि उसका जो है कठोर कारावास को यहाँ पे परिवर्तन करता है ना कि उसकी प्रकृति में। 82 में आइए, बुरा
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है। यहाँ पे समान वरीयता अनुक्रम बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री, अगर कोई ऐसा पद वर्तमान में है तो। फिलहाल अब अभी उप प्रधानमंत्री का जो है वो पद अभी समाप्त कर दिया गया या कोई अभी उस पर नहीं बैठाया जा रहा है, पहले था, तो ये जो था वरीयता क्रम में ये शामिल था, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि वरीयता अनुक्रम का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित एक सूची होती है जिससे उनकी वरीयता की स्थिति स्पष्ट होती है। 83 में आइए, बोला निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक प्रस्तुति प्रदान की गई। तो यहाँ पे 83 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 84 बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया, तो 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया ये था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, याद रखिएगा नवीन जिंदल बनाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, यहाँ पे भारत संघ होता, ठीक है, तो भारत संघ, तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 19 का 1 के ए में अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कई बार पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अधिकार के तहत आता है, उसमें बहुत सारा अधिकार दिया रहेगा जिसमें से ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 85 में ये प्रत्यापन संबंधित है, तो ये हो जाएगा संघ सूची से। प्रत्यापन में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ समझौता करते हैं कि अगर कोई उनका अपराधी दूसरे देश में जाके बैठा हुआ है तो प्रत्यापन संधि के तहत एक दूसरे को उसको सौंप देते हैं। नेक्स्ट आइए 86 में, बोला भारत के संविधान का अनुच्छेद 371C का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। यहाँ पे अनुच्छेद 371 में 371 ए बी सी डी करके है और ये पूर्वोत्तर राज्य का विशेष प्रावधान करता है जिसमें से सी जो है ये मणिपुर से संबंधित है। 87 का ये त्रिशंकु संसद यानी कि हैंग पार्लियामेंट का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि संसद में जब किसी दल को बहुमत नहीं होता है तो बोला जाता है कि त्रिशंकु संसद बना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 88 बोला कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वार्षिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति को, और ये अनुच्छेद 323 के तहत जो है यूपीएससी अपना वार्षिक जो क्रियाकलाप होता है उसका एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा 323 के तहत, और इस प्रतिवेदन को फिर राष्ट्रपति जो है संसद पटल पर रखता है। 89 में आइए, बोला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, और इसका जो है भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है। 90 में आइए कि भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो भारत के शासन के लिए ये जो आधारभूत हो जाएगा वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा ऑप्शन बी, और संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्व को देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया है आर्टिकल 37 के तहत। नेक्स्ट आइए 91 में, बोरा निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें, तो असत्य जोड़ा इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए एस्किमो कनाडा सही है, मसाई अरब गलत है, वेदास जो है श्रीलंका सही है, बोरो ब्राज़ील सही है, तो केवल जो बी जो है मसाई अरब ये गलत है, ये अरब नहीं हो जाएगा,
बल्कि ये पूर्वी अफ्रीका का केन्या हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, केन्या पूर्वी अफ्रीका का मसाई जनजाति वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 92 में, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 92 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित मरुस्थल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रेट सेंडी, सिम्पसन, गिब्सन और तनामी मरुस्थल, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। 93 में आइए, निम्नलिखित में से किस हवा को गिन्नी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हरमटन। और यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, और यह पवन सहारा से गिन्नी तट की ओर बहती है, और गिन्नी तट पर इसी हवा को डॉक्टर विंड यानी कि डॉक्टर हवा कहा जाता है। 94 में ये कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो हो जाएगा ये आपका अंडमान और कोको द्वीप, म्यांमार जो म्यांमार का है भाग उसका जो है, ये दोनों आपस में कोको जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो 94 का डी हो जाएगा। 95 ये ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेती से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं से इसका संबंध नहीं है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती के लिए एक नवीन विधि है, और इसमें एक विशेष प्रकार का ट्रक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, और यह विधि अधिकांशतः अमेरिका में प्रचलित है। 96 नंबर में आइए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट आइए 97 में, बोरा व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के मुहाने पर हुआ है। ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा में है, और व्हीलर द्वीप भी इसी के निकट है, व्हीलर द्वीप, और इसका वर्तमान में इसका नाम बदल करके इसका रख दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, लौह यौगिक के कारण यानी कि फेरस ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आइए 99 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि बीस्ट द्वाब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जो बीस्ट द्वाब है वो व्यास और सतलज नदी के मध्य स्थित है, और व्यास और द्वाब किसको कहते हैं? तो दो नदियों के मध्य जो उपजाऊ भूमि होता है उसी को द्वाब कहते हैं, और बीस्ट द्वाब जो है वो व्यास और सतलज नदियों के मध्य जो कि पंजाब राज्य है उस वो आता है इसमें अंतर्गत। 100 नंबर में आइए, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रीटेशियस युग में। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, एक मिनट, 101 में ये रिहंद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? और इस रिहंद यहाँ पे एक रिहंद बांध है, उसका नाम भी गोविंद वल्लभ पंत डैम है, तो याद रखिएगा ये डी है। और अगर ऑप्शन में दे कि रिहंद परियोजना या रिहंद बांध, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 102 का ये बड़दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिए ऑप्शन ए, गुजरात में। 103 में आइए, बोरे निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्पोपो नदी, ठीक है? और कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कांगो पूछेगा तो भूमध्य रेखा को दो बार, लिम्पोपी नदी पूछेगा तो मकर रेखा को दो बार, और माही नदी पूछेगा तो कर्क रेखा को दो बार, तो ये तीनों नदी आप लोग याद रखिएगा। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोन ने इसका सिद्धांत दिया था, और इसके अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार मौसमी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो खनिज अन्वेषण निगम बोलेगा
तो ये नागपुर में हो जाएगा, ठीक। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो वो धनबाद में हो जाएगा। और आपका राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो उदयपुर में है। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो 106 का आपका सही हो जाएगा पीपल। पीपल का जो वृक्ष है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है, और राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है, और राजकीय पक्षी गोरैया है, जबकि राजकीय पशु जो है वो बैल है। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, पूरा बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। एक चीज़ इसमें और पूछता है कि बिहार के कितने जिले नेपाल से या फिर बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं, तो दोनों में 7-7 जिला हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, 108 नंबर बोल रहा है कि मृदा संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है, तो 108 का यहाँ पे देखिए एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ई इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रति भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना सही है, अतिचारण पर नियंत्रण करके ये भी सही है, वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधन प्रणाली का निर्माण करके ये भी सही है, फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास ये भी सही है, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट आइए 109 में, कशिस वाटरफॉल किस जिला में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास में, कशिस वाटरफॉल। और इसका एक सबसे फेवरेट जो है वो तुतला जलप्रपात है, याद रखिएगा रोहतास में ही है, वो बहुत बार पूछ सकता है, अभी नहीं पूछा है लेकिन ये पूछेगा कि तुतला जलप्रपात कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो भी जो है वो रोहतास में है। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू की कृषि नहीं की जाती है, तो इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए बिहार में जो तंबाकू की खेती होती है वह मुख्यतः उत्तरी बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज आदि जिलों में होती है, जबकि जो दक्षिणी बिहार है उसमें तंबाकू की खेती नहीं होती है, तो दक्षिणी बिहार में केवल यहाँ पे एक बक्सर दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे तंबाकू की खेती नहीं की जाती है। 111 में आइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सांबा जिला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आइए 112 नंबर में, भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट आइए, सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है, तो ऑप्शन सी जमताड़ा झारखंड। और जमताड़ा एक वजह से और फेवरेट है, और ये जो है यहाँ पे जो साइबर ठगी के मामले में ये देश भर में पूरा चर्चित ये जिला है झारखंड का जमताड़ा, और जमताड़ा पे एक शायद वेब सीरीज या फिर मूवी भी बन के आई हुई है। नेक्स्ट आइए 114 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ये हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट आइए 115 में, बोरा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है यहाँ पे, ONDC परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, तो ये हो जाएगा नंदन नीलेकणी, जो कि यहाँ पे इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आइए 116 नंबर में, 116 बोल रहा है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी कि ZED प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो 116 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजार को सीमित करना, ये जो है ये शामिल नहीं है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में वेस्टेज को कम करना शामिल है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करना शामिल है, ऊर्जा की बचत करना शामिल है, डी ऑप्शन जो है वो शामिल नहीं है। 117 में आइए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2021 से लेके 2026 ईस्वी के बीच में, याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की अवधि जो है 2021 से 2026 के बीच में है। नेक्स्ट आइए सेमी कॉन यानी कि सेमी कंडक्टर
ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाम से ही पकड़ लीजिएगा, बंगलोर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ए और डी एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 120 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अल अस्टोम नामक कंपनी ने, जो कि गुजरात में इसका जो प्लांट है सावली के पास, उसी में इसका निर्माण किया जा रहा है, और यह ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल सकेगी, और इसके द्वारा जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फर्स्ट फेज में दिल्ली से मेरठ तक का इसमें दूरी तय किया जाएगा। 122 नंबर में आइए, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल दादरा। यहाँ पे आप लोग अपने मन से नेहरू मत लगा दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल दादरा इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो भारत सरकार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दादरा के जन्म की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया गया है। और याद रखिएगा ये जो जवाहरलाल दादरा हैं, ये लोकमत समाचार समूह के संस्थापक भी रहे हैं, और यह सिक्का जो है 2 जुलाई 2023 को जारी किया जाएगा। 123 में, ये वर्ष 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, तो 123 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 314.51 मिलियन टन। नेक्स्ट आइए 124 में, यहाँ पे बुरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेची फू सुरंग की खुदाई की जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है क्या किया जा रहा है, इसका BRO के द्वारा ये किया जा रहा है, ताकि जो चीन सीमा से लग रही है, भारत की जो सीमा, वहाँ पे सैन्य सामान जो है आसानी से पहुँचाया जा सके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 125 में, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा स्वयं सेवकों को। 126 में, ये किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। 127 में, ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CB के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, और ये जो है विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेन लॉन के CEO हैं। नेक्स्ट आई 128 में, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं, किस भारतीयों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी, जो कि बहुत चर्चा में भी रहे हैं। 129 में आइए, 129 बोल रहा है कि मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। और जो आसनी चक्रवात है, इसका जो नामकरण है वो सिंहली भाषा में श्रीलंका ने रखा है, जिसका अर्थ होता है क्रोध। 130 में, ये किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया, यानी डाक जो था वो वितरित किया? तो 130 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के कच्छ जिला में, और जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया वो ड्रोन जो था वो गुरुग्राम के एक स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल ने बनाया था। 131 में, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनटीसीए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रदर्शित है? तो 131 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 6%, याद रखिएगा। 132 नंबर में आइए, 132 में बोला कि द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए झारखंड। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति हैं। 133 नंबर में आइए, 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा सोरारई पोट्टू, याद रखिएगा। सोरारई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, 68वीं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। 134 में आइए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम में। आप लोग यहाँ पे विश्व शांति स्तूप मत समझ लीजिएगा, ये है विश्व शांति केंद्र। तो कई बार ऑप्शन में अगर राजगीर रहेगा तो राजगीर मार्ग के निकल जाइएगा, सोचिएगा सही है, वो गलत है, वो विश्व शांति स्तूप है। यहाँ पे विश्व शांति केंद्र बोल रहा है जहाँ पे लोगों के मानसिक भावनात्मक और चरित्र विकास से दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना करने के लिए यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र विकसित किया जा रहा है। 135 में आइए, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश रैना को। नेक्स्ट आइए 136 में, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 136 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी 136 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 137 में, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हो गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश में। नेक्स्ट आइए 138 में, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रूस ने। 139 में ये, हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है, इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है? तो 139 का यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि वर्तमान में जो है कितने हो गए हैं, 54, 5 को, लेकिन अभी हाल ही में तुरंत 5 जैसी आर्द्रभूमि को मान्यता दिया गया, उसके बाद तुरंत जो है 10 और आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है, जिससे अब बढ़ करके टोटल 64 हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले वाले थोड़ा सा डाटा के हिसाब से कि जो 5 जो दिया गया था आर्द्रभूमि, उसमें कितने जो है ऑप्शन में दिए गए हैं, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 139 का करिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, उसके बाद पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, और पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, यानी कि 1, 4, 5 जो है वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस और 30 क्वेश्चन मैथ्स रहते हैं, तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स है, और मैथ्स में आप लोग को क्या किया करवाया जाएगा कि मैथ्स में केवल आप लोग को आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 140 में ये, जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ने। 141 में ये बोला, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 40। 42 नंबर का आप लोग मैथ देख लीजिए, 42 का जो स्टॉप करके 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 250। 43 नंबर आप लोग देख लीजिए, स्टॉप करके पढ़ लीजिए, इसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी 11/120। 144 का सीरीज में आइए, तो 144 का जो सीरीज है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 640।
145 में आइए, 145 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 6 दिन। तो ये सब जो वीडियो है क्वेश्चन है आप लोग स्टॉप करके इसका मैथ्स पढ़ सकते हैं, बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 146 नंबर आइए, 146 का हो जाएगा बी 52:53, 52:53। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट आइए 148 में, 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33.1/3%। नेक्स्ट आइए 149 में, 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 घंटा। इसको कैसे कीजिएगा, तो शॉर्टकट है 30/5-3, ठीक है, तो 30/2 यानी कि 15 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 150 में, 150 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 किलोमीटर। इस तरह से हमारा टेस्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मिलते हैं आपको टेस्ट 2 में इसी तरह का बेहतरीन प्रश्न लेकर के और लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टेस्ट हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी टेस्ट या इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।